रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ नए लफ्ज सीखेंगे। पहले हम उनका मानी जानेंगे और फिर उनका इस्तेमाल सीखेंगे और फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको पता है कि नए अल्फाज को वोकैबलरी, ज़खीरा अल्फाज कहते हैं। हमें अपनी वोकैबलरी बढ़ानी चाहिए। उसके लिए हमें नए अल्फाज को सीखना कैसे है कि हमें उनका कानों से सुनना चाहिए, फिर उनको बोलना चाहिए और फिर उनके मानी लर्न करने चाहिए, फिर उनकी एसोसिएशन बनानी चाहिए अपने दिमाग में और फिर उनको यूज़ करना चाहिए सेंटेंस में। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी वोकैबलरी बढ़ेगी, हमारे लिए इंग्लिश समझना और बोलना आसान होता जाएगा। तो वर्ड्स हैव द मीनिंग यू गिव देम, क्योंकि जब हमें मानी आते हैं तो फिर हमारे दिमाग में नए ख्याल भी आते हैं। तो सबसे पहले जो है पैरेललोग्राम का मतलब होता है मतवाजी अजला, तो इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस आते हैं। और स्क्वायर जो है वो चकोर को कहते हैं या मुरब्बा को, उसकी चारों साइड एक जैसी होती हैं। और मुस्ततील जो है उसकी चारों साइड एक जैसी होती हैं, दो एक जैसी और दो एक जैसी। ये इस तरह स्क्वायर और रेक्टेंगल में थोड़ा सा फर्क होता है कि डिफरेंट लेंथ होती है दो साइडों की और दो साइडों की डिफरेंट होती है। फिर सर्कल जो है वो डेफिनेशन में एक ऐसी शक्ल जिसमें मरकज से सारे नुक्ते एक ही फासले पे हों। आप देखें कि स्क्वायर और सर्कल में बहुत वाज़े फर्क है। तो फिर उसके बाद है सिंग। सिंग जो है वो एक वर्ब है, इसको गाना कहते हैं। इसे सुरीली आवाज़ में शायरी को तरन्नम से पढ़ना, मौसीकी की तान पे गाना। और इसके अलावा इसके सिनोनिम्स हैं चैंट, टॉक, कैरल, विसल। मैं गाता नहीं क्योंकि मैं खुश हूँ और मैं खुश हूँ इसलिए गाता हूँ, विलियम जेम्स का ये कॉल है। तो हमें खुश रहना चाहिए। और एक मुसलमान की खुशी किस में है कि जो कुछ वो काम करे वो सुन्नत के मुताबिक करे और अल्लाह और उसके नबी की बात को माने, आंखें बंद करके भेड़ चाल ना चले। उसके बाद है लाफ। लाफ कहते हैं अपनी खुशी का इजहार करना जब हम मुँह खोल के हंसते हैं, और हंसी बेहतरीन दवा है। और लाफ के जो दूसरे लफ्ज़ हैं जो चकल, स्निकर, गिगल और क्रैकअप, इसके लिए आज इस्तेमाल होते हैं। चकल होता है मुंह दबाकर हंसना, स्निकर खीखी करना और गिगल बच्चे की तरह बिला वजह हंसना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराते किसी को नहीं देखा, ये एक हदीस है। और मुस्कुराहट भी सदका है। फिर है शाउट। शाउट का मतलब होता है चीख कर बात करना, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना। सिमिलर वर्ड्स जो शाउट के लिए हैं उसमें येल, क्राई, कॉल, रोर, स्क्रीम, होलर, बेलो, वूप, हाउल और बॉल हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो खुशी में, गमी में हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। और इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि हमें अपनी आवाज़ को नरम रखना चाहिए, आहिस्तगी से बात करनी चाहिए, नरमी से बात करनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में सूरह लुकमान में है, बेशक आवाज़ों में सबसे नापसंदीदा गधे की आवाज़ है, कानों को बुरी लगती है, और आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़ना चाहिए। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो आप शाइस्ता, अतवार और अखलाक के मालिक हैं। तो क्वीन, क्वीन कहते हैं खातून हुक्मरान को, मलका उर्दू में कहते हैं। और किंग, मुल्क का हुक्मरान जिसे हुक्मरानी विरासत में मिली हो, जो बादशाह के घर पैदा हुआ हो और फिर हुक्मरान बन जाए। और प्रिंस जो होता है वो सन ऑफ अ किंग और क्वीन के बेटे को हम शहजादा कहते हैं। और आपको पता है कि कायनातों का मालिक कौन है? जो सब सारी दुनिया जहानों का मालिक है वो है अल्लाह। और अल्लाह ताला को जितना अल्लाह को जानोगे उतना ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करोगे, ये इमाम गज़ाली का कौल है, द मोर यू नो अल्लाह। और आपको पता है कि अल्लाह ने एक किताब हमारी तरफ भेजी है जिसको कुरान मजीद कहते हैं। और अल्लाह ताला की मोहब्बत हम कैसे हासिल कर सकते हैं? जब हम अल्लाह को जाने, रोज़ अल्लाह की किताब को पढ़ें, ये हमें मालूमात भी देती है, हदायत भी देती है और खुशी और उससे माला माल भी करती है। फिर हमें प्ले ग्राउंड में इक्विपमेंट में स्विंग, स्लाइड और राउंड अबाउट मिलते हैं। इसी तरह हमारे हाथ में थंब भी होता है, उंगली भी होती है। और हमारे हाथ में पाँच उंगलियाँ होती हैं और अंगूठे को थंब कहते हैं, उंगली को फिंगर कहते हैं, और एक हाथ की पांच फिंगर्स होती हैं। तो एक इंसान का सबसे कीमती असासा इल्म नहीं बल्कि मोहब्बत भरा दिल, सुनने वाला कान और मदद करने वाला हाथ है। इसी तरह ज्वेलरी में रिंग, नेकलेस और ब्रेसलेट आते हैं। रिंग को अंगूठी, नेकलेस को गुलूबंद और बाजूबंद, ब्रेसलेट को कहते हैं। पेंगुइन्स जो हैं ये परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते, इनके वेब
की तरह के पांव होते हैं और ये डॉल्फिन जो है ये मछली है मैमल है और सील ये भी समुद्री जानवर है। ये तीनों ठंडे पानी में रहते हैं कुतबैन के ऊपर जहाँ पे बर्फ पड़ती है। अभी आपने एक्टिविटी करनी है सर्कल द एनजी वर्ड्स। अब हमने इनके मानी देख लिए, आप इसमें जिन अल्फाज में एनजी आता है वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और उनके गिर्द दायरा लगाएं। उम्मीद है कि आप ये सारे अल्फाज जुबानी याद करेंगे इनके मानी के साथ। तो ये हमने आप देख लिया इसका जवाब, सिंग रेक्टेंगल किंग स्विंग फिंगर रिंग और उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन द एनजी वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और जिन वर्ड्स में एनजी आया है उनके नीचे लाइन लगाएं, जैसे कुकिंग में है रिंग में है कॉलिंग में है सिंग में है और रेक्टेंगल में है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को लाइक और शेयर करें।